इस चैनल पे हमने हमेशा बात की मसल बिल्डिंग, वेट लॉस और जनरल फिटनेस के बारे में। मैंने आपको हमेशा समझाया हेल्थ इज वेल्थ, बट क्या आप सभी लोग जानते हो कि किसी भी फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? वो है आपकी गट हेल्थ। जी हाँ, गट हेल्थ। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट अंडररेटेड ऑर्गन के बारे में, जो कि है गट। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 6 ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपनी गट हेल्थ को अच्छा बनाए रख सकते हो। और इतना ही नहीं, वीडियो के अंत में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 2 रेसिपी फॉर योर गट। इसीलिए वीडियो को अंत तक और ध्यान से सुनना। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। टिप्स में जाने से पहले सिंपली आइए समझते हैं कि गट होता क्या है। जीआई ट्रैक्ट का एक दूसरा नाम है गट, जिसमें इंक्लूड होता है आपका माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका प्राइम फंक्शन है फूड को डाइजेस्ट करना, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना और वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। और आप में से जितने लोग अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना चाहते हो, उन सभी को अपनी गट हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमारी गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको हम बोलते हैं गट माइक्रोबायोम। अब बैक्टीरिया सुन के घबराना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हमारे गट में गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि आपके फूड को डाइजेस्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, बट साथ ही बैड बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट भी करते हैं। और बहुत सारे रीजंस की वजह से बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ने लगता है और आपकी गट में गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ बिगड़ सकती है। फर्स्ट स्टेप जो मैं आप सभी लोगों को देना चाहूंगा कि प्रोबायोटिक खाना शुरू करो। प्रोबायोटिक लाइव बैक्टीरिया होते हैं, जो कि आपकी गट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और आपको इन्फ्लामेशन से बचाते हैं। जितने भी फर्मेंटेड फूड होते हैं, वो एक नेचुरल सोर्स है प्रोबायोटिक का। और फर्मेंटेड फूड के एग्जाम्पल है दही, छाछ, पनीर, डोसा, इडली एक्सेट्रा, जिनको आपको अपनी डेली डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे आपकी गट में एक बैक्टीरिया का हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है। साथ ही आपकी इंटेस्टाइन्स की वॉल भी स्ट्रेंथन होती है, जिससे आपका ओवरऑल डाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए आप कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार पनीर खाने की कोशिश करें और लंच में दही और छाछ में से एक चीज जरूर खाएं। अगर आप इडली या डोसा खा रहे हैं तो मेक श्योर उसके बैटर को कुछ घंटे के लिए जरूर रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंस्टेंट बैटर से डोसा या इडली बनाते हैं, वो फर्मेंटेड नहीं होता, मींस इसमें प्रोबायोटिक नहीं होते। एक बात ध्यान देने वाली और है कि वाइन, बियर और जलेबी भी फर्मेंटेड फूड है, बट ये आपको बिल्कुल नहीं खाने। आपको चूज करने हैं हेल्दी फर्मेंटेड फूड, जिससे कि आपका गट माइक्रोबायोम अच्छा रहेगा। बट हाँ, किसी वजह से आप नेचुरल फूड से प्रोबायोटिक नहीं ले पा रहे हो, तो आप प्रोबायोटिक एज ए सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप मैं आप सब लोगों को देना चाहूंगा कि प्रीबायोटिक खाना शुरू करो। प्रीबायोटिक वो सब्सटेंस होता है जो कि गुड बैक्टीरिया को फीड करता है और गट में उनको मल्टीप्लाई करने में मदद करता है। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक में। प्रोबायोटिक मैंने आपको ऊपर बताया कि गुड बैक्टीरिया होते हैं, और प्रीबायोटिक इन गुड बैक्टीरिया का फूड होते हैं। बेसिकली प्रीबायोटिक उन फाइबर्स में होता है जिनको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और गुड बैक्टीरिया इन्हीं फाइबर्स को कंज्यूम करता है। और इसके साथ साथ प्रीबायोटिक हमारे कोलोन सेल्स के लिए ऐसे न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करने में मदद करता है, जिससे कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ और मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी रहती है। एक 2015 की स्टडी में यह पाया गया कि अगर आप अच्छी मात्रा में प्रीबायोटिक फूड आइटम्स खाते हो तो बायोफाइटोबैक्टीरियम की ग्रोथ होती है, जो कि एक गुड बैक्टीरिया है। और प्रीबायोटिक से भरपूर फूड आइटम्स हैं बनानास, होल ग्रेन, कैबेज, गार्लिक, अनियन, बार्ले, आलमंड, एप्पल, फ्लैक्सीड्स एक्सेट्रा। थर्ड टिप मैं आपको देना चाहूंगा, ईट लेस शुगर। आप रोजमर्रा में किसी भी फॉर्म में शुगर कम से कम खाने की कोशिश किया करो, क्योंकि ये आपकी गट में गुड बैक्टीरिया को तो कम कर ही देता है, साथ में इन्फ्लामेशन को भी बढ़ा देता है। इसके साथ साथ अगर आप शुगर खाते हो तो ये आपकी गट में इंटेस्टाइनल बैरियर को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स और अदर हार्मफुल सब्सटेंस आपकी बॉडी में एंटर करते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। और इतना ही नहीं, शुगर आपकी गट माइक्रोबायोम की ब्लड शुगर को रेगुलेट करने की क्षमता को कम कर देता है, जिसकी वजह से टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। एक 2022 की रीसेंट स्टडी जो कि चूहों पे की गई, उसमें ये पाया गया कि जब इन चूहों को 4 हफ्तों तक हाई शुगर डाइट पे रखा गया तो उनका गट माइक्रोबायोम बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। गुड बैक्टीरिया कम हो गए और उनके गट में इम्यून सेल भी ड्रॉप हुए।
तो यानी अगर आप अधिक मात्रा में शुगर खाते हो तो आपकी गट हेल्थ तो प्रभावित होती ही है, साथ में आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, इन्फ्लामेशन बढ़ती है बॉडी में, इसके साथ साथ आपको एक्ने और हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप मैं आप सभी लोगों को देना चाहूंगा, च्यू योर फूड प्रॉपरली एंड स्टे हाइड्रेटेड। चबाना जो है वो डाइजेशन का सबसे पहला स्टेप है, इसीलिए डाइजेशन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, जहां हम फूड को च्यू करते हैं और वो सलाइवा के साथ मिक्स होके ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद वो हमारे स्टमक में जाता है और एंजाइम्स के साथ मिलके वो और ज्यादा ब्रेक डाउन होता है, सो दैट उसको ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब अगर आप खाने को अच्छे से चबाओगे नहीं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा और इनफ एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा उस खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए, और जब ये अनडाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन में मूव करेगा तो बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं लाइक डायरिया, हार्टबर्न, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग एक्सेट्रा। इसीलिए अगली बार आप खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाएं। इसके साथ साथ हाइड्रेशन भी गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड की मूवमेंट के लिए वाटर जो है वो लुब्रिकेंट का काम करता है और स्टमक में एसिड्स के साथ मिलके खाने को पचाने में मदद करता है। पानी कॉन्स्टिपेशन से तो बचाता ही है पर आपके अच्छे बाउल मूवमेंट के लिए भी जरूरी है, इसीलिए अगर आप डिहाइड्रेटेड रहे तो आपकी गट हेल्थ बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी। इसीलिए दिन भर में आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, अच्छी मात्रा में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने की कोशिश करें और हो सकता है तो शराब का सेवन ना करें। फिफ्थ टिप अच्छी गट हेल्थ के लिए मैं आपको देना चाहूंगा कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का सेवन ना करें। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जरूरी होती है, बट कुछ लोग अननेसेसरी बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी गट हेल्थ बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। एंटीबायोटिक्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये गुड और बैड बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती और आपकी गट में बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया को भी किल कर लेती है, और ये गट में जो एनवायरमेंट चेंज होता है, कई बार ये शॉर्टर पीरियड के लिए होता है बट कई बार ये लंबे समय तक रह सकता है। यहां तक कि कुछ स्टडीज के अनुसार एंटीबायोटिक बंद करने के 6 महीने बाद भी गट में कुछ हेल्दी बैक्टीरिया की कमी रहती है। इसीलिए सबसे पहले तो आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक ना खाएं। दूसरा, अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन है तो भी अवॉइड करें, एंड मेन चीज है कि आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचें, जिसके लिए आप टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथ जरूर धोएं। अगर सोप नहीं है तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। छींक और खांसी आने पर मुंह कवर करें, और अगर आप बीमार हैं तो आप घर पर ही रहें। सिक्स्थ एंड लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूंगा, मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो आपकी गट हेल्थ को खराब करता है। कुछ स्टडीज में ये पाया गया कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर आपकी इंटेस्टाइन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब करता है, फिर चाहे स्ट्रेस जो है वो कम समय के लिए ही क्यों ना हुआ हो। और आपके पेट और दिमाग का एक गहरा रिश्ता है। आप में से कितने लोगों ने ये फील किया है कि एग्जाम में जाने से पहले या इंटरव्यू में जाने से पहले आपके पेट में जो अजीब तरह की एक फीलिंग होती है वो ये दर्शाती है कि आपका GI ट्रैक्ट किसी भी तरीके के इमोशन को रेस्पॉन्ड करता है। तो यानी स्ट्रेस, एंजाइटी या गुस्सा, इन सब की वजह से आपका ब्रेन गट को नेगेटिव सिग्नल देता है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल गट हेल्थ खराब हो सकती है। इसके साथ साथ लंबे समय तक स्ट्रेस रहने की वजह से आपको गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं लाइक IBS, अल्सर, रिफ्लेक्स एक्सेट्रा। इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, पर्याप्त नींद लें और हो सके तो मेडिटेशन और योगा का सहारा लें। आइए अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो दो रेसिपीज जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी, जिसमें मैं आपको दो ड्रिंक यहाँ पे बनाने सिखा रहा हूँ, जिनको आपको अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करना है, जिससे आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। फर्स्ट ड्रिंक जो मैं आपको बनाने सिखा रहा हूँ वो है कुकुम्बर कूलर। उसको कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। हम लेंगे एक कुकुम्बर, थोड़ी सी अदरक, 4 से 5 पत्ते मिंट लीव्स के, और उसको एक ग्लास पानी डाल के ग्राइंड करेंगे। पीने से पहले बस इसमें आपको आधा नींबू निचोड़ना है, और इसमें डालने हैं 1 चम्मच चिया सीड्स। एक तो आपको इस ड्रिंक को बिना छाने पीना है, और दिन में एक बार पीने की कोशिश जरूर करना, आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। सेकेंड ड्रिंक हम बनाएंगे कांजी, जो कि आपकी गट के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। पहली ड्रिंक बनाने के लिए आपको 2-3 गाजर को एक जार में डाल देना है, 2-3 बीटरूट, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 चम्मच काला नमक, थोड़ी सी राई, और इसमें हम 1.5-2 लीटर पानी डाल लेंगे। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें।
और आपको इसको 3 से 4 दिन कवर करके ऐसी जगह रखना है जहां पे थोड़ा सा धूप आती हो। 3 से 4 दिन में आपकी कांजी बनके तैयार हो जाएगी, जिसमें से आप थोड़ी निकाल के ऑन अ रेगुलर बेसिस पिए, और हाँ जो बची हुई है उसको आप हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, आपकी गट हेल्थ बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हर वीडियो की तरह पसंद आएगा। जाने से पहले बस मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बाकी हेल्थ के साथ साथ गट हेल्थ का भी ध्यान रखा करो, वीडियो में बताई गई बातें इंप्लीमेंट करो, फॉलो करो, आपको बहुत लाभ होगा। गट हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके फिटनेस गोल्स, चाहे हो मसल बिल्डिंग, चाहे हो वेट लॉस, फिर चाहे आप जनरल फिटनेस के लिए ही जिम या फिजिकल एक्टिविटी क्यों ना करते हो। और इस तरह का कंटेंट इस चैनल पे बनता रहेगा, मैं आप सब लोगों के समक्ष आता रहूंगा। टिल देन गुड बाय, नमस्ते।